हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति, और अभी हम लोग हैं टेली बांधा तालाब, जिसे कि मरीन ड्राइव भी बोला जाता है। तो इस तालाब के चारों ओर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं और मी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। रायपुर में मरीन ड्राइव शहर के बीचों बीच स्थित है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत टेली बांधा झील की परिधि भी है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा पूरे खिंचाव की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है और सौंदर्यकरण किया गया है। मरीन ड्राइव को अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मानकों में अपग्रेड करने के लिए की गई कई पहलों में से सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वाईफाई को सक्षम करना, स्वच्छ शौचालय स्थापित करना, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, फूड स्टॉल्स और सेल्फी पॉइंट स्थापित करना। झील के किनारे से सटे भित्ति चित्रों की दीवारें, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा खूबसूरती से चित्रित की गई हैं, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। झील के बीच में 269 फीट यानी कि 269 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है झंडा, जो कि भारत का पांचवा सबसे ऊंचा झंडा है और रायपुर की भावना का प्रतीक है। इसकी सुरम्य सेटिंग और शानदार सजावट के साथ यह एक लंबे दिन के बाद परिवार और दोस्तों के साथ कुछ घंटे बिताने के लिए एकदम सही जगह है। रायपुर के मध्य में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण मरीन ड्राइव शहर के किसी भी हिस्से से निजी या सार्वजनिक परिवहन द्वारा पहुंचा जा सकता है। बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए रायपुर जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से कई बसें मरीन ड्राइव के पास रुकती हैं। अप्रैल से जून तक गर्मी के महीने आमतौर पर असहनीय रूप से गर्म होते हैं और पर्यटक आमतौर पर इन महीनों के दौरान सूर्यास्त के बाद यहाँ आते हैं। नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों में अधिकतम पर्यटक मरीन ड्राइव में आते हैं, क्योंकि मौसम सुखद होता है। जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम यात्रा के लिए एक आदर्श समय नहीं है, क्योंकि कई बार बारिश बहुत भारी या लगातार होती है यहाँ। हालांकि पर्यटक दिन भर इस स्थान पर घूमते हैं, लेकिन यह सूर्यास्त के बाद सबसे अच्छी तरह से दौरा किया जाता है, क्योंकि उल्लेखनीय प्रकाश व्यवस्था है जो झील द्वारा खूबसूरती से परिलक्षित होती है। इस जगह की खूबसूरती सूर्यास्त के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। इस स्थान के अलग अलग प्रफुल्लित वाइब के कारण रायपुर में मरीन ड्राइव आराम करने और घूमने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह स्थान न केवल पर्यटकों के बीच बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी फैशनेबल है। मरीन ड्राइव का एक हिस्सा एक ओपन एयर आर्ट गैलरी के रूप में कार्य करता है, जहां नवोदित साथ ही अनुभवी कलाकार अपना काम प्रदर्शित करते हैं। झील के किनारे से सटे छोटे घरों को चमकीले रंगों में रंगा गया है, जो नियमित रूप से झील के किनारे के स्थान को एक जीवंत और ऊर्जावान पर्यटक स्थान से परिवेश को बदल देते हैं। ईंट लेयर्ड मार्ग आपके प्रियजनों के साथ आराम से टहलने, बाइक चलाने या एक सुंदर प्रकृति सेटिंग में टहलने के लिए आदर्श है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अक्सर दौड़ने के लिए यहाँ आते हैं, खासकर सूर्योदय से पहले। उन लोगों के लिए जो जगह के प्यारे लिबास को बैठकर देखना चाहते हैं और उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, उनके लिए झील की परिधि में कई बेंचें लगी हुई हैं। विशेष उल्लेख स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम सेहत मंडी का है, जो नियमित रूप से यहाँ आयोजित किया जाता है, और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे एक्रोबैट, स्टंट और साइकिलिंग शो शामिल होते हैं। रायपुर का मरीन ड्राइव अपने रंगीन और जीवंत परिवेश के कारण फोटोग्राफी के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ पर एक अलग मोर रायपुर, जिसका अर्थ है माई रायपुर, शिला लेख प्रतिमा है, जो एक शानदार सेल्फी पॉइंट बनाता है। अद्वितीय और रंगीन माहौल मरीन ड्राइव को अविश्वसनीय पृष्ठभूमि में चित्रों को क्लिक करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
अगर आप यहाँ आए तो तेली बांधा तालाब में रह रही मछलियों को दाना देना ना भूलें। पूरे चलने के रास्ते में यहाँ कई फूड स्टॉल्स हैं जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह गंतव्य राज्य के सबसे साफ और सबसे अच्छी तरह से रखे गए पर्यटन स्थलों में से एक है। पोस्ट कार्ड, फ्रिज मैग्नेट और पोस्टर जैसे कई स्मृति चिन्ह इस जगह को अपनी महिमा में उजागर करते हैं। सरकार ने हाल ही में एक विशाल परियोजना को मंजूरी दी है जो एक अत्याधुनिक मनोरंजन क्षेत्र विकसित करेगी, जो लेजर शो, लाइट शो, क्लाइंबिंग जोन, बोट राइड्स, टॉय ट्रेन की सवारी और मरीन ड्राइव में एक अलग फूड जोन से परिपूर्ण होगी। यहाँ की विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण इसे छत्तीसगढ़ के शीर्ष पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। कुल मिलाकर रायपुर में मरीन ड्राइव कुछ घंटे अकेले या प्रियजनों के साथ बिताने के लिए सही जगह है। अपनी जीवंतता और विशिष्ट अपील के साथ यह उन सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने नियमित जीवन से अवकाश लेना चाहते हैं और एक ऐसे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं जो रायपुर और उसके लोगों की पवित्र आत्मा का पर्याय बन गया है। तो इस यात्रा के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आपसे लेती हूँ अलविदा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो। रायपुर सीरीज़ चल रही है और मैं आपको और भी कई जगह ले जाने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।